أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم میری ٹو فیملی کے تمام اہل خانہ کو میری جانب سے بہت زیادہ سلام دعائیں میرے بچوں کو بہت زیادہ پیار اور سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں اللہ پاک کا شکر ہے ہم لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو اس وقت شام کا کام شروع کر لیا میں نے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو آپ میرے ساتھ رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی چھان لیا میں نے آٹا تو ابھی آٹا گوندھ دیتی ہوں پہلے پھر بناؤں گی سالن تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ میرے ساتھ رہے گا तो इसमें नमक डाल लेती हूँ और आटे की भरनी कर देती हूँ बंद। आटे की भरनी दिखाती हूँ आपको, माशाल्लाह से सोदा आया तो आटे की भरनी में आटा डाल लिया तो आटे की भरनी कर देती हूँ बंद। और नमक वगैरह डाल लेती हूँ और डाल लेती हूँ फिर गूंथ लेती हूँ आटा, फिर मिलती हूँ आपसे। और बाकी जो खाना सालन बनाऊँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप रहिएगा मेरे साथ। बिस्मिल्लाह मेरे शैतान है जी, बिस्मिल्लाह मानूँ तो ये आपको दिखाती हूँ। ये मैंने प्याज काट के रख लिया है गदत, और तकरीबन एक किलो आलू काटनी है कट कर लिए। और ये है पाउडर मसाला जिनमें एक बड़ा चम्मच नमक का, एक बड़ी डेढ़ चम्मच सूख मिर्च और कश्मीरी मिर्च मिला के डाल दिए, और एक चम्मच कुछ धनिया का और डेढ़ चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और दो चुटकी हल्दी। और यहाँ पर मैंने काट ली है गोभी, काट के इसको अच्छी तरह वाश कर लिया। तो इसको पहले ना ठंडे पानी से धो दिया दो बार, और फिर इसको गर्म पानी में धोया, क्योंकि इसके अंदर कोई बारीक बारीक हरे हरे जो कीड़े होते हैं ना, तो वो निकले हैं। मैंने खैर अच्छी तरह एक घंटा तो मैंने इसको साफ करने में लगाया काटने में, फिर गर्म पानी से इसलिए धोया कि जो कोई कीड़े वगैरह हों तो वो भी निकल जाएँ। तो इसको धोते हैं यहाँ पर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डाल देते हैं प्याज, ऑयल डाल दिया मैंने, अजान हो रही थी तो इसलिए मैंने ना फिर ऑन नहीं किया अपना कैमरा। प्याज ऑन हो जाते हैं फिर डाल दूँगी साथ में पाउडर मसाले और लहसुन अदरक का पेस्ट। छोड़ देंगे दम पे और फिर बना लेंगे रोटियाँ। प्याज हो चुका है ब्राउन, तो अब डाल देते हैं इसमें पाउडर मसाले और साथ में लहसुन का पेस्ट। इसमें नमक डाल रही हूँ, साथ में डाल देते हैं पानी। कर लेते हैं थोड़ी सी बनाई और फिर डाल देते हैं आलू और गोभी, साथ ही डाल देंगे। पहले थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं, फिर डाल देते हैं आलू भी और गोभी भी साथ में, इसको लग दूंगी दम पे। मसाला मैंने भून लिया तो इसमें डाल देती हूँ आलू भी और गोभी भी साथ। इसमें डाल दिया आलू डाल देते हैं पानी,
इस तरह बन रहे हैं आलू के फिंगर टिप्स। रोटियां बना ली हैं छोटी ने, रोटियां देखिए माशाल्लाह से रोटी हमारी बन चुकी है, देख सकते हैं माशाल्लाह से। और यहाँ बन रहे फिंगर टिप्स, कोई बंदा बीच में से आलू गोभी नहीं खाता घर में, उसके लिए बना रहे हैं। हाँ वैसे भी अच्छे लगते हैं। सालन माशाल्लाह से हो चुका है हमारा तैयार, आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ चुका है। इसको डिश आउट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर हमारे चिप्स भी तैयार होने वाले हैं, जिसमें हमारे सालन निकाल लेती हूँ आपको दिखाती हूँ। बस बन के तैयार हो गए, बंद कर दो चूल्हा जल जाएंगे नहीं तो। सालन देखिए हो चुका तैयार, तो मैंने डिश आउट कर लिया जैसे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। धुआं देखिए कैसे निकल रहा है। बस रोटी भी बन चुकी है, सबको देते हैं खाना, हम भी खाते हैं खाना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ जी साफ, तो चलिए फिर खाते हैं खाना, सबको देते हैं और खुद भी खाते हैं, चीज़ भी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग में किसी नए काम, किसी नई रूटीन के साथ। मैं सबको इजाज़त चाहूँगी और अपना अपने पैरों का रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।